मनीष जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे मालूम होते हुए भी कि मैं ही हूँ जो ये शरीर नहीं, लेकिन शरीर मेरा है, लेकिन शरीर का बोध कैसे हटे और स्वयं को कैसे जागृत करूं? देखिए, सर्वप्रथम जो मेरा प्रयास है, जिस ध्यान के प्रथम चरण को मैं करा रहा हूँ, मन की मृत्यु, वो सबसे पहले होने दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मन एक बार में मर जाएगा या मन की समाप्ति एक बार हम बैठे हैं और ध्यान में और खत्म हो गया। वो कई कई परतों तक जीवित रहता है, उसकी कई परतें उखाड़ के फेंकनी है। और हमने पढ़ लिया है, सुन लिया है, इतने सारे विचारों को समझ लिया है बौद्धिक स्तर पे, जो मन ले जाके अंतर मन तक उसको स्टोर कर चुका है कि जैसे ही हम ध्यान बैठते हैं वो अंतर मन की परतों से निकाल निकाल के उस अनुभव को हमें दर्शाता है। यहाँ तक कि कई लोगों की फेक कुंडलिनियाँ भी जागृत हो जाती हैं और उनको आभास होता है कि कुंडलिनी जागृत हो गई, इतना ज़्यादा मन का खेल है। तो सबसे पहले तो मन की समाप्ति बहुत ज़रूरी है। और जो ये आप कह रहे हैं कि शरीर का बोध कैसे हटे, शरीर का बोध ऐसे हटेगा कि सर्वप्रथम जिन इंद्रियों को मन से संबंध करके हमने जोड़े रखा है, उस मन का कटाव पहले वहाँ से जरूरी है। और जैसे ही मन का कटाव वहाँ से होगा तो सारी इंद्रियाँ बाहरी चीज़ों से एक तादाद में जो जुड़ा रहता है उसको तोड़ लेंगी। जैसे ही उनको तोड़ेंगी तो आपका जो ऊर्जा का बहाव है बाहर की तरफ, वो टूट जाएगा। एक बारीक सी नाड़ी है, वो टूट जाएगी। और जब वो टूटेगी तो शरीर का आपको वास्तविक बोध होना शुरू होगा। अभी शरीर का बोध भी है और नहीं भी है। शरीर का बाहरी बोध है आपको, लेकिन आपके भीतर में जो सेल हैं, आपके भीतर में खून दौड़ रहा है, धड़कन है, ये सब आपको नहीं सुनाई देती है। जब बहुत गहरे ध्यान में जाते हैं तो आपको अलग अलग अनुभव होते हैं। जो भीतरी अनुभव हैं, जो आपको पल पल होने चाहिए, वो नहीं होते हैं। वो सिर्फ ध्यान में बहुत गहरे परतों को उखाड़ के फेंकने के बाद अनुभव होता है। ये प्रोसेस जब हो जाएगा मन का टूटने का, फिर इंद्रियों के विग्रह का, उसके बाद जब शारीरिक वास्तविक बोध आपको अनुभव होना शुरू होगा, तब आपका एक दृष्टा भाव जागृत होगा। जब दृष्टा भाव जागृत होगा तो उस दृष्टा भाव की ओट से आप देखेंगे कि अरे वो रहा मेरा शरीर। आप बात भी कर रहे होंगे तो आप पीछे खड़े हुए होंगे, आपको अपना बात करना हुआ दिखाई देगा, महसूस नहीं होगा, दिखाई देगा। आपका हाथ कटेगा, आपको खून बहता हुआ दिखाई देगा। और देखने का अर्थ ऐसे लें कि जब किसी की यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है तो आप देखते हैं, आप उसके उस दुख में नहीं खोए होते हैं जिस दुख में उसका पति या उसकी पत्नी या उसका बच्चा गया होता है। आप बाहर से ढांढस बना रहे हैं, थोड़े बहुत दुखी आपको भी होते हैं, आपको पता चलता है, क्योंकि 10 लोग बैठे हैं, रो रहे हैं, भाव आपका भी जन्मता है और थोड़ा बहुत दुख आपको भी होता है। लेकिन वास्तविक दुख वो होगा जब आप उसके स्थान पे होंगे और वो भी कहता है कि हाँ मेरे को बड़ी परेशानी हुई, बहुत दुख हुआ, मेरा बच्चा था, मेरा पति था। यही स्थिति जब आपके साथ होती है तब आप देख नहीं रहे होते, तब वो देख रहा होता है और वही सेम सेंटेंसेस वो दोहरा रहा होता है। तो देखने को इस पूर्ण रूप से तो इस तरीके से नहीं लिया जा सकता है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताने का प्रयास करा कि देखना ऐसे घटेगा कि आपके साथ कुछ भी घटेगा लेकिन आप देखोगे। अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारे साथ घट रहा है और आप उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जितना आप इन्वॉल्व होंगे, जितना आप स शरीर स इंद्रियां स मन आप उसमें जुड़े होंगे, आपके साथ वो घट रहा होगा। लेकिन जैसे ही दृष्टा जागृत होगा आप देखोगे। और उस वक्त ये जो आपका प्रश्न है, शरीर का बोध कैसे हटे और स्वयं को कैसे जागृत करे, तो ये जागृति उस टाइम उत्पन्न हो जाएगी। और आप जागृत भाव से सोते जागते उठते बैठते आपको ऐसा आभास होगा, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए क्योंकि अभी आप मन के स्तर पर हैं, तो मन आपका इस अनुभव को, इस मेरे अनुभव को उतार लेगा और ये आपको धीरे धीरे उस अनुभव को एक भ्रम की स्थिति में भी आपका ही अनुभव जता देगा। फिर भी आपकी जिज्ञासा तो बताता हूँ कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जागृत अवस्था में कि आप सोते उठते बैठते जागते हैं, जिसे कहते हैं
कि योगी 24 घंटे जागता है, उसका सब प्रमाण आपको साक्षात्कार उस वक्त होगा जब आप सो रहे होंगे, आंख बंद भी होगी, आप देख रहे हो कि आप सो रहे होंगे, आपके सपने चल रहे होंगे, आप सपनों को भी देख रहे होंगे, आप उसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में भी विचरण कर रहे होंगे सेम टाइम पर, उसको जागृति कहते हैं। और ये सर्वप्रथम जो प्रथम चरण के जो मैं शिविर करा रहा हूँ मन की मृत्यु के, ये उसके बाद की तीसरी चौथी स्टेप है। सर्वप्रथम हमको मन से छुटकारा पाना है, दबाना नहीं है मन का, जैसे मैंने पहले बताया वाष्पीकरण कर देना है। और शुरुआती दौर में एक पागलपन की स्थिति रहेगी कि आपको लगेगा, आभास होगा कि प्रथम तो ये लगेगा कि आप हल्के हो गए, लेकिन बाद में फिर आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल भर, कुछ को कुछ समय या कुछ ज्यादा समय भी लग सकता है, आपको यह भाव सुना शुरू होगा। मार्गदर्शन मैं देता रहूंगा या गुरुजनों के मार्गदर्शन से आपको ये पता चलता रहेगा कि अवस्था कौन सी है। अभी जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिकतर लोगों की मन की ही अवस्था है, वो मन के स्तर पे ही है। कुछ लोगों को झटका लगा हुआ है जो आखिरी कोने पे आके गिरने की स्थिति में थे, लेकिन वो वापस खींच लिए गए या वापस उन्होंने पकड़ छोड़ दी इस तरफ की, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। और आप भी इस चीज को जो मैंने बताया है, जो भी अनुभव बताया है, इसको बस सुन के अभी भुला दीजिएगा, इसको आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं किसी को भी, क्योंकि फिर ये मन आपके साथ खेल खेलेगा और आपको भ्रामक रूप से आपके ही अनुभव बताना शुरू कर देगा कि आपको भी ऐसा हो रहा है। बहुत गहरे से देखने की बात है, जब मिलेंगे निश्चित तो इस